हेलो गाइस, तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांथियान वेनबिंग से वही रेड बुक लेने वाली होती है जो वेनबिंग ने उससे ले लिया था। एंड उस बुक में लिखा हुआ था अबाउट 100 वेज टू किस, एंड यही छीना झपटी में गलती से सांथियान वेनबिंग के ऊपर गिर जाती है। तब वेनबिंग बोलता है कि क्या ये तुम्हारा वे है किस करने का, यानी कि क्या तुम वही बुक के कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रही हो मुझ पर किस करने के लिए। तो सांथियान तब बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ये बोलकर वो वहाँ से हट जाती है। बट वेनबिंग उसके पीछे आता है, उसे उठा लेता है, उसे बेड पर बिठा देता है। तो सांथियान तो डरने लगती है, उसे लगता है पता नहीं क्या ही करने वाला है। बट यहाँ पर वेनबिंग उसकी पैर की चोट पर कुछ मेडिसिन लगाता है। एंड देन सांथियान सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, और उसकी तरफ देखती है। एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वेनबिंग वो रेड बुक लेकर भाग जाता है। सांथियान उसके पीछे आने वाली होती है, बट वो नहीं आ पाते बिकॉज उसके पैर में तो चोट लगी हुई है। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं हमारी ट्रेनिंग वाले प्लेस को, यानी कि वहाँ पे कोच जो थी वो सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही होती है। देन वहाँ पे फिगर स्केटिंग टीम की कोच आ जाती है, एंड ये वही कोच है या फिर वही जज है जिसने सांथियान को इस यूनिवर्सिटी में लाया था, मतलब एडमिट किया था, एंड देन उसे निकाल भी दिया था। तो सांथियान ऑब्वियसली उनसे छुपने लगती है ताकि वो उसे पहचान ना ले कि वो एक लड़की है एक लड़का नहीं। तो यहाँ पर वो कोच, फिगर स्केटिंग की जो कोच है, वो सांथियान की कोच से बात करने आती है, एंड तब सांथियान वहाँ पर छुपी होती है ताकि उसे वो कोच देख ना ले। एंड देन जब वो कोच चली जाती है तब सांथियान की जो कोच है वो सांथियान को बताती है कि तुम्हें फिगर स्केटिंग टीम के साथ लाइक नोट्स वगैरह शेयर करने होंगे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं तुम्हें देती हूँ। बट यहाँ पे सांथियान तो डरी होती है बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो फिगर स्केटिंग टीम के पास जाएगी तो शायद वो वाली जो कोच है यानी कि वो वाली जो जज थी वो शायद इसे देख कर पहचान जाए, तो ऑब्वियसली ये जाना नहीं चाहती। तो ये वेनबिंग को साइड से जाते हुए देखती है, तो वो वेनबिंग को बुलाती है, वेनबिंग को बोलती है कि देखो उस फिगर स्केटिंग वाले टीम में तो मेंगना भी है, एंड मेंगना तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो कोच भी वेनबिंग एंड सांथियान दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर चली जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग जब ड्रेसिंग यानी कि मतलब जो चेंजिंग रूम होता है वहाँ जब आते हैं, तब सांथियान बार बार वेनबिंग को लाइक बटन लगा रही होती है कि प्लीज़ तुम ये काम कर दो तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगी वो कर दूँगी। बट वेनबिंग को तो हम जानते हैं वो तो एक और नखरेबाज है, तो वो बहुत ही चालाकी से सांथियान को बोलता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। एंड देन वो उसे धमकाता भी है यानी कि ब्लैकमेल करता है कि देखो तुम्हारा जो रेड बुक है वो मेरे पास है, तो फिर तुम मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स मत करो, तुम्हें ही सब काम करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियान अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है, एंड वो वेनबिंग के बैग से चुपचाप वो रेड बुक निकालने की कोशिश करती है। बट इसी कोशिश में गलती से उससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल वेनबिंग के बेड पर गिर जाती है, एंड वो बहुत पैनिक्ड हो जाती है। वो जल्दी से उसे साफ़ करने जाती है, बट जब वो साफ़ कर रही होती है तभी वेनबिंग अपने वॉशरूम से निकल आता है, एंड सांथियान डर के मारे बॉटल को उल्टा पकड़ लेती है जिसकी वजह से बचा हुआ जो कोल्ड ड्रिंक था वो भी बेड पर गिर जाता है। एंड जब वेनबिंग वहाँ पे आता है तो सांथियान बताती है कि अरे ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया। तो वेनबिंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेड पे सो जाता हूँ तुम मेरे बेड पे सो जाना। तो सांथियान तो बड़ी नाराज़ हो जाती है, वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं है, ये तो बड़ा ही खड़ूस आदमी है। तो वो चली जाती है वॉशरूम में, वहाँ से ड्रायर लाती है सो दैट वो बेडशीट को सुखा पाए। बट जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है ड्रायर लेकर, तब वो देखती है कि वेनबिंग तो नीचे सोया हुआ है, एंड वो ये देखकर थोड़ी सी खुश होती है बिकॉज उसे लगता है अब कि वेनबिंग उतना बुरा भी नहीं है जितना वो सोच रही थी। एंड तभी जब वेनबिंग टर्न करता है हम देख पाते हैं कि उसी के नीचे वो रेड बुक था सांथियान का। तब सांथियान सोचती है कि अब मैं ये रेड बुक ले लूँगी जब वेनबिंग सो जाएगा। वेनबिंग तो बड़ा ही चालाक आदमी है, वो क्या करता है उसे समझ आ जाता है, वो जल्दी से वो रेड बुक को लेता है अपने शर्ट के अंदर डालकर सो जाता है। तो सांथियान सोचती है अरे भगवान अब मैं कैसे ही लूँ इससे ये बुक, एंड देन वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। एंड देन हम वेनबिंग को देखते हैं, हमारा चतुर आदमी, वह अपनी आंखें खोलकर साइड आई से उसे देखता है, एंड देन वो सो जाता है। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियान अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, एंड उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि शायद वेनबिंग तुम्हें लाइक करता हो। एंड सेम यहाँ पे वेनबिंग भी अपने फ्रेंड यानी कि अपने अंकल से बात कर रहा होता है कि कैसे बात कर रहा था, तब उसके अंकल भी उसे बोलते कि शायद सांथियान तुम्हें लाइक करती हो। तो यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स ही सांथियान एंड वेनबिंग को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि द अदर पर्सन लाइक्स यू और नॉट, तो उसको चेक करने के लिए वो लोग 3
ट्रिक्स बताते हैं। तो उसमें से जो पहला ट्रिक होता है उसमें बताया जाता है कि देखना कि वो तुम्हें सीक्रेटली देख रहा है या देख रही है कि नहीं। दोनों वही नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं तो दोनों यही चेक करने वाले होते हैं कि मतलब सांथियन वेनबिंग को देखती है कि नहीं या फिर वेनबिंग सांथियन को देखता है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए वो दोनों एक दूसरे को क्लास में देख रहे होते हैं एंड देन सांथियन तो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी तरफ ना देखे, बट अचानक से जब वो उसकी तरफ देखती है तो वेनबिंग चेक कर रहा होता है ना कि सांथियन उसकी तरफ देख रही है कि नहीं। तो वो उसी की तरफ देख रहा था तब सांथियन को लगता है कि शायद वेनबिंग उसे पसंद करता होगा, तो उसका फर्स्ट वाला तो सक्सेसफुल हो गया। ओके, देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है एंड यहाँ पे वेनबिंग का फ्रेंड भी उसे बता रहा होता है कि सेकेंड जो ट्रिक है वो ये है कि ये पर्सन हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगा तो ये चेक करना है। तो ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं वेनबिंग ये चेक करने के चक्कर में सांथियन के आसपास घूम रहा होता है एंड सांथियन जब भी उसकी तरफ देखती है वो कुछ और करने की एक्टिंग कर रहा होता है बार बार। तो इससे सांथियन को लगता है शायद वेनबिंग उसे लाइक करता होगा, बट वेनबिंग को तो पता ही नहीं चलता ना बिकॉज वो तो देखने के चक्कर में ही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। एंड देन हम देखते हैं कि थर्ड टिप क्या है। तो उसमें बताया जाता है कि अगर वो पर्सन तुम्हें लाइक करता होगा तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई एकदम फ्यू सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब दोनों अपने रूम में जब होते हैं एक साथ तब सांथियन है वो वेनबिंग को मैसेज भेजती है। तो वेनबिंग मैसेज को देखता है और उसे रिप्लाई कर देता है जल्दी से। तो फिर सांथियन को लगता है कि इसका मतलब वेनबिंग मुझे लाइक करता है, ये सोचकर वो बहुत मतलब टेंस्ड हो जाती है और वो सो जाती है डर के मारे। एंड वेनबिंग जब अपना फ़ोन चेक करते हैं वो देखता है कि कोई मैसेज ही नहीं है एंड जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद सांथियन उसे लाइक नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो ये लड़की मुझे लाइक कैसे नहीं कर सकती। तो वो उसकी तरफ ऐसे घूर के देखता है एंड देन हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब सांथियन का भाई सांथियन से मिलने आया होता है। वो उसे बोलता है कि चलो एक साथ हम लोग मतलब खाना वाना खाते हैं, बहुत दिन से एक साथ नहीं खाया। तो वहाँ पे वेनबिंग भी आ जाता है बट वो सोचता है ये लड़का कौन है। तो वो सांथियन को मैसेज करता है चुपके चुपके कि जल्दी से आओ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हॉस्टल आ जाओ। तो सांथियन अपने भाई को छोड़ के चली जाती है एंड यहाँ पे वेनबिंग तो बहुत चालू है। ये मतलब इतना फनी सीन है ना, लाइक तुम्हें एक्टिंग देखनी चाहिए यहाँ पे वेनबिंग की, अलग ही लेवल की एक्टिंग है यहाँ पे। सो मतलब वो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 काउंट करता है एंड तभी वहाँ पे सांथियन जल्दी दौड़े दौड़े आ जाती है। तो वो बोलते बताओ क्या इंपॉर्टेंट काम था। तो वेनबिंग बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरा ये बेडशीट धोना है, क्या तुम भूल गई। तो सांथियन बोले कि इस छोटे से बात के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया इतनी जल्दीबाजी में। तब वेनबिंग बोलता है कि मुझसे रिलेटेड कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कैजुअली नहीं ले सकते। तब वो सांथियन को ये बोलता है। तो अब नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि सांथियन का भाई एक ऐसा लाइक प्लेस पे था जहाँ पे वो आइसक्रीम खा रहा होता है एंड मैसेज पे बात कर रहा होता है। सो मैगना भी वहाँ पे आई होती है एंड गलती से उन दोनों की टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से जो सांथियन का भाई है उसके हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है एंड आइसक्रीम गिर जाता है एंड मैगना का जो कोट था या फिर जो भी जैकेट उसने पहना था वो गंदा हो जाता है। तो अब मैगना उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये जैकेट ख़राब हो गया, ये सब बोलने वाली होती है। तभी उसका पैर ट्विस्ट होता है एंड वो गिरने वाली होती है। तो सांथियन का भाई उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है। बट देन मैगना उसे उसके भाई को बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो एंड वो उसे छोड़ देता है और वो गिर जाती है। तब वो बोलती है कि अरे तुमने मुझे सच में छोड़ दिया, मैं गिर गई। फिर बस नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियन यहाँ पे बेडशीट को धो रही होती है जो उसे वेनबिंग ने धोने के लिए कहा था एंड वेनबिंग यहाँ पे आता है। वो देख रहा होता है कि सांथियन धो रही है कपड़ों को, तो सांथियन की हेल्प करता है वो दोनों मिलकर कपड़े को साफ वाफ करते हैं। एंड देन इसी चक्कर में सांथियन गलती से ऑलमोस्ट वेनबिंग के बहुत क्लोज आ जाती है। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है एंड शॉक्ड भी कि ये क्या हो गया। एंड देन वेनबिंग उसके ऊपर वो बेडशीट डालकर चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियन दोबारा अपने भाई के साथ लंच करने के लिए निकल जाती है बट वहाँ पे वेनबिंग भी मिल जाता है। सर वेनबिंग बोलता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ लंच करूँगा क्योंकि हम लोग सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे, चलो साथ चलते हैं। तो फिर अब सांथियन को तो कैसे भी करके इससे बच के जाना था, इसलिए वो देखती है दूर से मैगना आ रही होती है। तो वो ज़ोर से वेनबिंग का नाम लेती है सो दैट मैगना को पता चल जाए कि वेनबिंग यहाँ पे, और वो यहाँ पे आके वेनबिंग के साथ लग जाए मतलब। तो वो जो मतलब सांथियन ज़ोर से वेनबिंग का नाम लेती है जिसकी वजह से मैगना को समझ आ जाती है कि वेनबिंग यहीं पे है। वेनबिंग के पास वो आ जाती है एंड यहाँ पे हमारी सांथियन बचकर निकल जाती है।
अपने भाई के साथ खाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सांथियान अपने भाई के साथ खाना खा रही होती है एंड आराम से बात बात कर रहे होते हैं वो लोग एंड सडनली वहाँ पे वेनबिंग दोबारा आ जाता है एंड वो बोलता है अरे बड़ा कोइंसिडेंस तुम लोग भी यहाँ पे ही हो। एंड देन वो अपना हाथ बढ़ाता है सांथियान के भाई की तरफ एंड वो बोलता है कि मैं इसका रूममेट हूँ। तो अब उसका भाई जो है सांथियान का भाई वो भी अपना हैंड मतलब बढ़ाता है और बोलता है मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मतलब वो बताता नहीं कि मैं इसका भाई हूँ बल्कि बताता है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो फिर ऐसे इन लोग के बीच थोड़ी सी टकरार सी देखने को मिलती है हमें एंड देन यहाँ पे सांथियान दोनों को रोक देती है एंड देन सब खाने लगता है। बट सडनली दोनों के बीच यानी कि वेनबिंग और सांथियान के भाई के बीच एक झगड़ा सा हो जाता है। सो यहाँ से वेनबिंग चला जाता है उठकर एंड देन सांथियान अपने भाई को मारने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ज़्यादा पाकमी करनी मतलब ज़्यादा ऐसा उसे ट्रिगर करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। देन उसका भाई से बोलते हैं कि वेनबिंग तुम्हें लाइक करता है शायद से। तो वो सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है वो तो हमेशा इतना रूड बिहेव करता है। सो जो भी हो देन वो लोग खाने लग जाते हैं एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सांथियान वेनबिंग के पास आती है मतलब वो अपने रूम में वापस आती है। तो वो वेनबिंग लिए बहुत सारा खाना वाना लेके आई थी यानी कि प्रॉन्स वगैरह बहुत टाइप के प्रॉन्स एंड खाना बहुत कुछ लेकर आई थी। सो यहाँ पे वो वेनबिंग को खिलाती है एंड देन वेनबिंग खाता नहीं है वो नखरे दिखाता है गुस्से में से चला जाता है। बट रात में जब वेनबिंग दोबारा अपने कमरे में वापस आता है तो कुछ काम वाम कर रही होती है एंड वेनबिंग से वो बिल्कुल बात नहीं करती यानी कि उसको ग्रीट भी नहीं करती। तो वेनबिंग को समझ आता है कि शायद वो गुस्सा है क्योंकि सुबह मैंने लाइक उसका श्रिम्प नहीं खाया था शायद इसलिए हो सकता है। तो वो उसके लिए कुछ जूस लाया था वो जूस देता है उसको। बट सांथियान जो होती है वो जूस को देखती है तो वेनबिंग बोलते हैं कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तो नहीं लाया हूँ बल्कि तुमने सुबह मेरे लिए खाना लाया था इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो सांथियान उसे वो रिटर्न कर देती है एंड देन वेनबिंग को लगता है इसे क्या हो गया अचानक से इतना अजीब बिहेव कर रही है लड़कियों को समझना बहुत टफ है ये सब सोचता रहता है। एंड देन वो सोचता है शायद मैंने इसकी रेड बुक इसे रिटर्न नहीं की इसलिए शायद ये गुस्सा है। तो ये उसको उसका रेड बुक रिटर्न कर देता है बट फिर भी सांथियान नॉर्मली उस रेड बुक को रख देती है एंड सोने के लिए चली जाती है। तब वेनबिंग सोचता है अरे अजीब बात है लड़कियों को सच में समझना बहुत टफ है वो ये सोचता है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सांथियान स्पोर्ट्स रूम में आई होती है इक्विपमेंट रूम में आई होती है सारी चीज़ों को सामान वामान को रखने वखने के लिए। तभी वो देखती है कि फिगर स्केटिंग टीम के कुछ लोग आए होते हैं तो वो छुपने की कोशिश करती है क्योंकि हो सकता है कि कोई उसे पहचान ले। तो वो छुपने के चक्कर में वहीं पर सो जाती है एज बहुत लंबा टाइम हो गया था वो लोग काम वाम कर रहे थे ना जाने में टाइम लग रहा था तो वो वहीं पर सो जाती है। एंड जब वो उसकी आँखें खुलती वो देखती है कि रात हो चुकी है एंड वो तो मतलब डर जाती है कि और ऊपर से देखती है जो बाहर का डोर है वो भी लॉक्ड है प्लस उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे वेनबिंग रूम में बैठ के सोच रहे होते कि इतना लेट हो गया ये तो इतना लेट नहीं करती इसको क्या हो गया। देन डोर नॉक होता है तो वेनबिंग जल्दी से दौड़ कर जा रहा होता है गेट खोलने के लिए एज उसे लगता है कि सांथियान आई है। बट सांथियान नहीं आई होती है बल्कि उसका भाई आया होता है। तो उसका भाई उसे पूछते हैं कि सांथियान अभी तक नहीं आई ठीक है चलो वो लोग फिर ऐसे बैठे होते हैं। एंड देन सांथियान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है इस इक्विपमेंट रूम में एंड वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका बॉडी गर्म रहे। बट देन थोड़ा टाइम और बीत जाने के बाद वेनबिंग सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया व्हाई शी डिडंट रिटर्न अभी तक तो उसे रिटर्न कर जाना चाहिए था। तब वो जल्दी से बाहर निकलता है एंड सबके डोर्स पे नॉक कर करके पूछते हैं कि क्या तुमने सांथियान को देखा क्या तुमने सांथियान को देखा बट किसी ने देखा नहीं होता है। सो एट द एंड वेनबिंग और सांथियान का भाई सोचते हैं कि चलो सीसीटीवी कैमरा रूम्स में जाते हैं एंड चेक करते हैं। तो फिर वो लोग जाते हैं सीसीटीवी कैमरा वाले रूम में एंड वेनबिंग बोलता है कैमरामैन को कि जो स्पीड है उसको 10 times बढ़ा दीजिए सो दैट हम देख सके। तो उसका भाई सोचता है सांथियान का भाई सोचता है कि ये क्या कह रहे हैं 10 times अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी में हम देखेंगे कैसे कि सांथियान का है। तो सांथियान का भाई तो देख नहीं पाता है ठीक से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है देखने में। बट यहाँ पे वेनबिंग बहुत प्रॉपरली अच्छे से देख रहा होता है बिकॉज सिंपल है ना क्योंकि उसे तो कोई और दिखता ही नहीं है किसी और का फेस वो देख ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ हिज डिसऑर्डर। तो वो सिर्फ सांथियान का ही फेस देख सकता है अच्छे से। तो 10x स्पीड होने के ऊपर मतलब बाद भी वो आराम से सांथियान का पता लगा लेता है एंड वो बोलता है कि ये रही सांथियान अब स्लो डाउन करो एंड देखते हैं कि वो कहाँ गई है। तो वो लोग देखते हैं कि वो इक्विपमेंट रूम में गई है। तो सांथियान का भाई घूमकर पूछने वाला था कि तुम्हें कैसे पता चल इतना फास्ट वीडियो चल रहा था तो तुमने कैसे पता कर लिया कि यही सांथियान है मैं तो देख नहीं पाया।
देन वो बोलने ही वाला होता है, पर वो देखता है कि वेनबिंग जल्दीबाजी में तब तक निकल चुका है सांथियान के लिए। एंड वेनबिंग जब उस इक्विपमेंट रूम में जाता है तो वो देखते हैं कि सांथियान तो सो रही है एंड उसके हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए हैं, तो वो उसके ऊपर ऐसे अपना जैकेट वगैरह रख देता है एंड उसे उठाकर लेकर आता है। एंड देन जब वो उसे उठाकर लेकर आ रहा होता है तब अचानक से सांथियान के आईज़ ओपन हो जाती है एंड वो देखती है कि यहाँ पे वेनबिंग ने उसे उठाया हुआ है एंड उसके भाई ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, तो बहुत हड़बड़ा जाती है एंड वो जल्दी से बोलती है कि मुझे नीचे उतार दो, तो वो उसे नीचे उतार देता है। एंड देन सांथियान को बहुत ठंडी लग रही होती है एंड वो अपने भाई के कान मड़ोड़ देती है ये बोलकर कि तुम यहाँ पे इतनी ठंडी में कोई अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के क्यों नहीं है, ये सब बोलती है। देन उसका भाई बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं क्या। तब वेनबिंग सुन लेता है कि अच्छा वो उसका भाई है एंड देन वो थोड़ा सा रिलीव्ड होता है। एंड देन सांथियान के ऊपर वेनबिंग अपना एक जैकेट रख देता है एंड देन वो दोनों आ रहे होते हैं आराम से एंड वो लोग बहुत मस्ती वस्ती कर रहे थे, तो नॉर्मली वॉक कर रहे होते हैं। तब सांथियान वेनबिंग को बोलती कि देखो तुम्हारे शू लेसेस खुले हुए बांध लो, तो जब ही वेनबिंग झुकता है अपने शू लेसेस बांधने के लिए यहाँ पे सांथियान अपने खुराफाती दिमाग से स्नो उठाती है और वेनबिंग के ऊपर फेंकने लगते हैं। देन वेनबिंग भी सांथियान के ऊपर स्नो फेंकने लगता है। देन ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्नो वनो फेंकते हैं। अच्छा, मस्ती मस्ती करने के चक्कर में ही सांथियान गलती से वेनबिंग के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है एंड देन यहीं पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर दिन न्यू वीडियोस लाते रहूँगी आप लोगों के लिए। हाँ, आई नो कि मैंने इस सीरीज़ को बीच में छोड़ दिया था, बट अब मैं कंटिन्यूसली हर दिन लाती रहूँगी वीडियोस, बिकॉज प्रीवियसली मैं अपने कॉलेज के वर्क में, कॉलेज स्टडीज़ वगैरह में थोड़ा सा बिजी हो गई थी, बट अब मैं अच्छे से हर दिन आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।